दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पाप है, जो हमारा बच्चा है, उसमें किस टाइम पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन शेड्यूल और पाप, यानी टीका बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए अपन वैक्सीनेशन करते हैं। उसकी एज क्या है, वैक्सीन किसके लिए अपन कौन सी बीमारी को रोकने के लिए कर रहे हैं, उसकी डोज क्या है, उसका रूट क्या है और उसका री वैक्सीनेशन अपन कब करेंगे, यह सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये सारणी बनी हुई है, इसमें आपको बता दो कि सारणी में अपने फाइव कॉलम्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट है एज ऑफ बार्थ, यानी बच्चे की उम्र कितनी है, कितनी उम्र में कौन सा टीका लगेगा, टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, उस उम्र में कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी, कौन सी बीमारी की वैक्सीनेशन लगेगी, ठीक है। तीसरा है डोज, डोज कितनी रहेगी उसकी, 1 ml, 2 ml, 3 ml, ठीक है। उसका रूट क्या रहेगा, रूट यानी सबकट लगेगी, IM लगेगी, IV लगेगी, कौन सा रूट है उसका, ठीक है। और री वैक्सीनेशन शेड्यूल, उसकी दोबारा वैक्सीन हम कब करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके यहाँ मेडिसिन हुई पड़ी है। सबसे पहले देखेंगे जब हमारा बच्चा 2 महीने का हो गया, जब हमारा बच्चा 2 महीने का हो गया तो उसमें हम सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे बीमारी आती है उसमें एनेरियोसिस वैक्सीन लगेगी, ठीक है। उसकी डोज होगी 3 ml, 3 ml डोज अपन लगाएंगे, रूट होगा उसका सबकट, ठीक है। सबकट रूट में 3 ml डोज एनेरियोसिस बीमारी के
सेप्टिसीमिया, ठीक है। एचएस की डोज लगेगी 5 ml, 5 ml के बाद उसका रूट रहेगा सबकट, इसको भी ईयरली बरसात से पहले ही लगाना है, ठीक है। अगली वैक्सीन लगनी है अपनी, अपना बच्चा हो गया 6 से 7 महीने का, जब अपना बच्चा 6 से 7 महीने का हो गया उसके बाद उसको BQ, BQ का मतलब ब्लैक क्वार्टर डिजीज, ब्लैक क्वार्टर डिजीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर डिजीज की डोज है 5 ml, रूट है इसका सबकट, ये भी साल में एक बार लगती है, ठीक है। अब आपका बच्चा 7 से 9 महीने का हो गया, 7 से 9 महीने में अपन को जो फीमेल काफ्स होती है, फीमेल काफ्स में ही इस वैक्सीन का उपयोग कर रहा है, ठीक है। फीमेल काफ्स में यानी ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेला हेपेटाइटिस वायरल बैक्टीरिया को किल करने के लिए ब्रुसेलोसिस C19 वैक्सीन लगती है। C19 एक आरबी पंजा, ठीक है, C19 बच्चों में लगती है, आरबी पंजा घर में लगती है, ठीक है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, 5 ml लगेगी ओनली फीमेल काफ्स, और वो उसमें एक ही बार लगेगी, ओनली वंस, एक बार लगेगी, आपने लगा दी, पर आपको इस वैक्सीन को भी लगाना है, फिर आप घर में लगा सकते हो, आर भी बच जाओ, ठीक है। आपका बच्चा 8 से 9 महीने का हो गया, उस टाइम बीमारी आती है रेंडर पेस्ट बीमारी, उसमें आपको रेंडर पेस्ट वैक्सीन लगानी है, ठीक है। 1 ml उसकी डोज है, सबकट करती है, और वो रिपीट होती है साल में, 3 साल बाद उसको रिपीट करना होता है, ठीक है। 3 साल बाद रिपीट करने के बाद उसको करते हैं अपन इस प्रकार से, इस प्रकार से हम अपने बच्चे को, बच्चे के जीवन को सुरक्षित, सुंदर एवं बढ़िया फ्यूचर यानी भविष्य बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो कोई ना कोई बीमारी का उसको शिकार होना पड़ जाएगा, और बीमारी का शिकार होते ही वह बच्चा फिर किसी काम का नहीं है। अगर किसी भी टाइम किसी बीमारी ने उसको जकड़ दिया तो उस टाइम आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा है एक बार ही अपन अपने बच्चे को टीकाकरण मुक्त कराते हैं, ये सारे टीकाकरण हो जाएगा, साल में रिपीट करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल खत्म हो गया, ठीक है।